बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करूंगा। इससे पहले स्टूडेंट्स, मैंने तमाम क्वेश्चंस की जो है वो डिटेल वीडियोस बनाई हैं और आप जो है वो उम्मीद है उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। जो स्टूडेंट्स अभी नया इस चैप्टर को ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें कहूँगा कि वो पहले बेसिक की वीडियो देखें, जो कि एक सेपरेटली बताई गई है, बनाई गई है, और उसमें जो है वो मैंने रूल्स वगैरह बताए हैं, कॉन्सेप्ट बताया इस चैप्टर में असल में हमने करना क्या। तो बहरहाल जी, आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। मेरे पास है पेज नंबर 502 और बुक सोहेल अफजल की है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की जो स्टेटमेंट है उसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ जी द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ फर्म, पास द नेसेसरी एंट्रीज टू रेक्टिफाई देम। आपने एंट्रीज पास करनी है। तो यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह तीन कॉलम में ड्रॉ कर रहा हूँ, करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड का। करेक्ट में हमने वो एंट्री पास करनी होती है जो असल में पास होनी चाहिए थी, रॉन्ग में वो एंट्री पास करते हैं जो पास कर दी गई है और उसमें कोई गलती है, और रेक्टिफाई में क्या करते हैं, जो रॉन्ग एंट्री की मिस्टेक होती है उसको ठीक किया जाता। तो देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट जो है लिखा हुआ, ₹800 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेस हैज बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट। कहता है ₹8,000 आपने वर्कमैन को पे किए हैं, किस बात पर पे किए हैं, फॉर मेकिंग शोकेस। उसने शोकेस हमें बनाकर दिया तो हमने उसके लेबर चार्जेस पे किए ₹8,000। तो शोकेस जो है वो फर्नीचर होता है और जो भी फर्नीचर को बनाने का खर्चा होता है ना वो फर्नीचर की कॉस्ट में शामिल होता है। तो एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर डेबिट 8,000 से और कैश क्रेडिट 8,000 से, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर कहता हैज़ बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट। गलती से उसने किस अकाउंट को चार्ज कर दिया, यहाँ पर वेजेस अकाउंट को। तो आप वेजेस अकाउंट को ये पैसे नहीं डालोगे, पे उसको वेजेस ही हुई हैं लेकिन वो फर्नीचर बनाने की मद में हुई हैं। तो जो भी फर्नीचर को बनाने का खर्चा है वो फर्नीचर के नाम से आएगा। इसकी मिसाल यूँ भी दी जा सकती है कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए जो भी आपको सीमेंट, सरिया, रेत, ईंटें, बजरी वगैरह चाहिए होती है, हम हर एक की जो है वो कॉस्ट को या लेबर की जो वेजेस होती हैं वहाँ पर हम जो है वो सारी की सारी क्या करेंगे, बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल करेंगे और फिर हम कहेंगे कि बिल्डिंग जो है वो 50 लाख की तैयार हुई है या 60 लाख की, जो भी, तो वो बिल्डिंग की कॉस्ट में इंक्लूड होती है। इसी तरह से वेजेस जो आपने फर्नीचर बनाते हुए उसको पे किए हैं शोकेस बनाते हुए, वो फर्नीचर की कॉस्ट के नाम से रिकॉर्ड होंगी, ना कि वेजेस के नाम से। तो रॉन्गली उसने वेजेस का अकाउंट डाल दिया जो कि गलत है। तो अब यहाँ पर कैश अकाउंट की बात नहीं कर रहा, इसका मतलब है कैश अकाउंट अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक डला है, दोनों साइड बराबर हैं, इसलिए सस्पेंस नहीं आएगा। ये वाला अकाउंट रॉन्गली आया हुआ था तो वेजेस अकाउंट को 8,000 से जो है वो डेबिट है, तो इसको राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करें और इसकी जगह पर आपने एक्चुअल जो अकाउंट आता है फर्नीचर का उसको लिखना है करेक्ट एंट्री को देखते हुए, ठीक है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड होती है, रॉन्ग प्लस रेक्टिफाइड, अगर इन दोनों का आप टोटल करो तो इसके बराबर आना चाहिए, जो कि है यहाँ पर वेजेस को कैंसिल कर दें और फर्नीचर टू कैश आप एंट्री पास करें। उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ जी, अ सेल ऑफ ₹18,000 हैज़ बीन पास थ्रू द परचेज बुक, द कस्टमर अकाउंट हैज़ हाउ एवर बीन करेक्टली डेबिटेड। सेल ऑफ ₹18,000, सेल की है ₹18,000 की और कस्टमर का वर्ड आ रहा है, तो कस्टमर ही को सेल करते हैं और कस्टमर का वर्ड अगर ट्रांजेक्शन में आ जाए तो वो हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है। तो कस्टमर को हमने डेटर बनाना है, रिसीवेबल बनाना है, रिसीवेबल हमारे एसेट होते हैं, डेटर हमारे एसेट होते हैं, उनको हमेशा डेबिट करते हैं। तो करेक्ट एंट्री पास होनी चाहिए थी कस्टमर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन लिखा क्या हुआ कि हैज़ बिन पास थ्रू द परचेजेज बुक, परचेज बुक में जो है वो लिख दिया, यानी कि आपने परचेज बुक उठाकर परचेज की एंट्री डाली है, असल में हुई सेल है। तो अगर परचेज बुक उठाई है तो डेफिनेटली फिर आपने परचेजेज रिकॉर्ड की है ना, तो आपने परचेजेज को डेबिट किया। तो परचेज अगर डेबिट हो तो अपोजिट अकाउंट क्रेडिट होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द कस्टमर अकाउंट हाउ एवर वॉज करेक्टली डेबिटेड, लेकिन कस्टमर का अकाउंट जो है ना वो अपनी जगह पर अपने वैसे ही मतलब बिल्कुल ठीक डेबिट हुआ हुआ, यानी कि करेक्ट एंट्री में भी डेबिट हुआ हुआ, रॉन्ग में भी वो डेबिट ही हुआ हुआ। अब हमने रॉन्ग वाले पोर्शन में कुछ ही नहीं करना, सिर्फ दोनों साइड्स को बराबर करना होता है। एक काम सिर्फ हम रॉन्ग में करते हैं कि बोथ साइड्स को हम इक्वल करते हैं। तो डेबिट साइड का टोटल 18 + 18 = 36 बन रहा है, तो क्रेडिट साइड पर भी हम 36 लिखेंगे और यहाँ पर हम इसको क्या नाम देंगे जी, सस्पेंस का, ताकि दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं। अब ये टेम्प्रेरी अकाउंट होता है, इस अकाउंट को आपने राइट ऑफ करना है। रेक्टिफाई वाले पोर्शन में सस्पेंस क्रेडिट है, राइट ऑफ करने के लिए डेबिट करेंगे
और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे करेक्ट एंट्री के अकॉर्डिंगली डेबिट साइड पर सिर्फ कस्टमर का अकाउंट आना चाहिए, इधर परचेजेस का भी अकाउंट है, तो ये परचेज वाला अकाउंट आपने राइट ऑफ कर देना। राइट ऑफ करने के लिए 18,000 से इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है जी। और करेक्ट एंट्री ये भी बता रही है कि क्रेडिट साइड पर जो है, सॉरी क्रेडिट साइड पर जो है वो आपको सेल को शो करना है, जबकि रॉन्ग एंट्री जो असल में पास हुई है वहाँ पर कहीं पर भी सेल नहीं है, तो इसलिए आप रेक्टिफाई में जो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई होती उसको लिखते हो, तो सेल को आना चाहिए फिर यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम देखें इन दोनों को अगर आपस में मर्ज करते हैं तो परचेजेस डेबिट और क्रेडिट ये कैंसिल हो जाती है, सस्पेंस क्रेडिट और डेबिट ये कैंसिल हो जाता है, पीछे रह जाता है कस्टमर अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट, और लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी बनती है वहाँ पर भी कस्टमर टू सेल ही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लिखा हुआ सेल ऑफ रुपीज़ 4500 टू कबीर ब्रदर वाज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। आपने सेल की है, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, इनकम है आपकी, और कबीर ब्रदर्स को किया तो कबीर ब्रदर्स ने यहाँ पर डेबिट होना है 4500 से। अब यहाँ पर लिखा क्या हुआ, वाज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, आपने उनके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, यानी कि कबीर ब्रदर्स के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। सेल अकाउंट के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, जो अकाउंट जिस अकाउंट के बारे में वो साइलेंट होता है वो बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड हुआ होता। तो क्रेडिटेड टू, आपने कबीर ब्रदर्स के अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ, तो क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब है दोनों अकाउंट्स क्रेडिट साइड पर आ गए, डेबिट साइड पर कुछ भी नहीं आया, जबकि डेबिट पर कबीर ब्रदर को होना चाहिए था। हम लोगों ने रॉन्ग में करना क्या होता, सिर्फ दोनों साइड्स को इक्वल करते हैं, तो क्रेडिट साइड का टोटल आता है 9000, डेबिट साइड पर वेटेज इक्वल करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम 9000 अपनी तरफ से लिखेंगे, किस नाम से, सस्पेंस के नाम से। तो सस्पेंस अगर डेबिट है इसको आपने राइट ऑफ करने के लिए 9000 से क्रेडिट कर देना, ठीक है जी। और उसके बाद क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री हमें बता रही है कि क्रेडिट साइड पर सिर्फ सेल्स को होना चाहिए, यहाँ पर आपने सेल के साथ साथ कबीर ब्रदर को भी क्रेडिट किया हो, तो इसको ख़त्म करें, इसको राइट ऑफ करें, क्रेडिट है तो राइट ऑफ करने के लिए कबीर ब्रदर्स को 4500 से आप डेबिट करेंगे, और उसके साथ साथ एक और मरतबा आप कबीर ब्रदर्स को लिखेंगे, क्योंकि रॉन्ग एंट्री में कहीं पर भी जो है वो डेबिट साइड पर कबीर ब्रदर नहीं है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट करेक्ट एंट्री हमें बता रही है डेबिट साइड पर कबीर ब्रदर्स को आना चाहिए, तो यहाँ पर आप एक और मरतबा इसको डेबिट करेंगे। आप इकट्ठा 9000 से भी इसको डेबिट कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों सेपरेट करके क्यों बताएं, ताकि आपको पता लग सके कि एक डेबिट जो कबीर ब्रदर किया है वो इस क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए किया, और दूसरा जो डेबिट किया है वो एक्चुअली जो उसके अकाउंट में होना चाहिए था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा जी, लिखा हुआ रुपीज़ 30,000 पेड फॉर फर्नीचर ऑफ अ मोटरसाइकिल फॉर अ पार्टनर हैज़ बिन चार्ज टू द मिसकिलीनियस एक्सपेंस अकाउंट। पार्टनर के लिए मोटरसाइकिल ली है, तो पार्टनर भी बिजनेस का ऑनर होता है, और ऑनर के लिए अगर आप बिजनेस के पैसों में से पैसे निकाल कर मोटरसाइकिल परचेज करोगे तो वो ड्राइंग बनेगी, तो 30,000 की बेसिकली ड्राइंग है। हैज़ बिन चार्ज, आपने मोटरसाइकिल का नाम नहीं लिखना, ऑनर जब भी पैसे निकालेगा जो कुछ मर्जी वो उससे परचेज करे, आपने उसको ड्राइंग के नाम से, आप बिजनेस की रिकॉर्डिंग जब करोगे तो ड्राइंग के नाम से करोगे। तो ड्राइंग्स हुई हैं 30,000 से, हैज़ बिन चार्ज टू मिसकिलीनियस एक्सपेंस अकाउंट। मिसकिलीनियस एक्सपेंस का मतलब वो अकाउंट जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के आप छोटे मोटे एक्सपेंसेस को लिख रहे होते हैं, जिनको जर्नल एक्सपेंस अकाउंट भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपने एंट्री जो पास करनी है वो ये होनी चाहिए थी, ड्राइंग्स डेबिट, बिजनेस का कैश निकला है तो 30,000 से इसको क्रेडिट होना चाहिए था, जबकि रॉन्ग एंट्री जो पास किया उसमें आपने इसको मिसक्लीनियस, मिसक्लीनियस की शॉर्ट फॉर्म MISE मैंने लिखा है, मिसक्लीनियस एक्सपेंस अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, दूसरे अकाउंट की वो बात नहीं कर रहा, इसका मतलब है दूसरा अकाउंट अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड हुआ, तो ये आपने गलत एंट्री पास की। अब यहाँ पर सस्पेंस नहीं आएगा क्योंकि दोनों साइड्स आपस में इक्वल थी। अब करेक्ट एंट्री को देखें, कैश इधर भी डेबिट क्रेडिट है, इधर भी क्रेडिट है, डेबिट साइड पर ड्राइंग को होना चाहिए, डेबिट साइड पर इधर मिसक्लीनियस एक्सपेंस है, तो ये अकाउंट रॉन्गली आया हुआ है, इसलिए इसको आप डेबिट है तो क्रेडिट कर दें, और डेबिट साइड पर आप लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है जी। ये डेबिट ये क्रेडिट के साथ कैंसिल, और ड्राइंग टू कैश है, उधर भी ड्राइंग टू कैश। एंड द लास्ट एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन इज, लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है जी, परचेज हुई है 696 से, हैड बिन डेबिटेड टू सप्लायर अकाउंट 632, द सप्लायर वाज सर्वर, सर्वर का नाम भी मैंशन किया हुआ, तो परचेज 696 से हुई है, तो आपने एंट्री क्या पास करनी थी, परचेज 696 से डेबिट,
सर्वर सप्लायर है, क्रेडिट आ रहा है, लाइबिलिटी है हमारी, हमने उसको पैसे देने हैं, अकाउंट्स पेएबल है, ठीक है ना जी, इसलिए उसको क्रेडिट किया, तो एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन थी, ये एंट्री होनी चाहिए थी। कहता है हैज बिन डेबिटेड टू सप्लायर अकाउंट, आपने सप्लायर अकाउंट को डेबिट किया, इसका मतलब है परचेज अकाउंट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो वो अकाउंट अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड हुआ है। सर्वर को 696 से क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन सर्वर को डेबिट किया एक तो, और दूसरी गलती क्या की 632 रुपये से, 632 से आपने सप्लायर को यानी कि सर्वर को डेबिट किया। अब देखा जाए तो रॉन्ग एंट्री है ये, और यहाँ पर अमाउंट भी गलत है, अकाउंट भी गलत आया। हम लोगों ने रॉन्ग में सिर्फ एक काम करना होता है, दोनों साइड्स को इक्वल करते हैं, तो अगर डेबिट साइड का जो टोटल है वो क्रेडिट साइड के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे इक्वल करना है। अब डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, तो मैं 696 में प्लस कर रहा हूँ 632 को, ये बनता है 1328 रुपये, ठीक है जी। 696 में 632 को ऐड करें तो अब 1328 रुपये क्रेडिट साइड पर तो नहीं है, तो इक्वल करने के लिए मैंने अपनी तरफ से लिखने हैं और इनको नाम देना है सस्पेंस अकाउंट का, ठीक है। रेक्टिफाई में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप राइट ऑफ करेंगे, सस्पेंस क्रेडिट है तो 1328 से इसको डेबिट करें, उसके बाद परचेज अकाउंट 696 से है, इधर भी ठीक है, डेबिट साइड पर और कुछ नहीं आना चाहिए था, इधर डेबिट साइड पर ये सर्वर का अकाउंट आया हुआ, इस अकाउंट को राइट ऑफ करने के लिए सर्वर को करें आप यहाँ पे क्रेडिट, जितने से डेबिट है उतने से यहाँ पर 632 से क्रेडिट करें। उसके बाद क्रेडिट साइड देखें, यहाँ पर 696 से सर्वर के नाम से लिखी हुई है, इधर इस क्रेडिट साइड पर कुछ भी नहीं है, रॉन्ग में असल में आपने ये एंट्री पास की हुई थी, तो अब यहाँ पर इसका मतलब है रेक्टिफाई में आप सर्वर को देखोगे जो कि आपने रॉन्ग में मिस किया हुआ था, और कितने से लिखोगे जो करेक्ट एंट्री की अमाउंट है 696 से, तो इसका टोटल करें तो वो 1328 के बराबर ही आता है। अब सर्वर डेबिट और सर्वर 632 से क्रेडिट, तो पीछे अब सस्पेंस क्रेडिट और सस्पेंस डेबिट, पीछे क्या रह जाएगा, परचेजेस 696 से डेबिट और सर्वर क्रेडिट, इन दोनों का टोटल ये बनेगा जो कि इस एंट्री का इक्वल है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करूंगा, इस क्वेश्चन की अपने एंड पर लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।